हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो पटवारी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ गई है। इससे पहले आपने यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि सभी चैनल ने नोटिफिकेशंस आपको दे दी है, बट वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी। उसमें चेंजिंग क्या क्या है देख लिए आप खुद, कि उसमें लिखा था कि अप्लीकेशंस कुछ, उसमें डेट थी 28 के आसपास थी कि 28 से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, बट इसमें रियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि अप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन और बिफोर 30/9/2019, मतलब 30/9, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले आपको इसको भरना है। पहली तो ये होगी। इसके बाद आप सभी ने देख रखा होगा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है कि 10+2 होने चाहिए, इसके लिए यही है। दूसरा क्या है कि अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा है तो वो क्या होना चाहिए, मेडल विनर होना चाहिए। और दूसरा, या तो उसके पास 3 बार एक नेशनल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 3 बार वो उसका स्पोर्ट्स का नेशनल लेवल का 3 टाइम होना चाहिए उसने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल लेवल पे। और इसके बाद रिजर्व कैटेगरी का जो भी उसके पास सर्टिफिकेट है उसको वो उस टाइम फॉर्म के साथ उसको अटैच करना है। ये तो एक हो गया कि ये 3 चीज़ें होगी, 10+2, अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा है वो लगा दें, या तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज ऑफ कस्टमर मैनर्स डायलैक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पता होना चाहिए। इसके बाद एज क्या है, 1/1/2019 तक उसकी 18 या तो 45 साल होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट के लिए SC ST OBC के लिए 50 साल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फील्ड इन माहौल, माहौल होता है डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में भरी जाएगी वो है 932, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट भरी जा रही है। तो ये आप देख लें, यहाँ पे आप एक और ऑफिशियल, अब यहाँ पे देखो सिग्नेचर भी आ गए हैं, तो पहले सिग्नेचर नहीं थे तो यहाँ पे अब ऑफिशियल सिग्नेचर भी आ गए हैं। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, इसके बाद हम देखते हैं इसके पास शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये थी इसके लिए। और यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फील्ड इन सेटलमेंट डिपार्टमेंट 262, 262 यहाँ भर जाएगी। रोस्टर वाइज डिटेल आर गिवन बिलो, यहाँ दे रखी है कि जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्टेज हैं, 145, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की 57, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की 13, अदर बैकवर्ड क्लास की 47, और टोटल है 262, 262। ये होगी किसकी, सेटलमेंट डिपार्टमेंट की, दोनों होगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसको देख लें। इसके बाद कैंडिडेट फुलफिल अबव कंडीशंस में सबमिट हिज हर एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा टू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आपने इसको प्रोफॉर्मा को भेजना है तो किसके नाम पे, डिप्टी कमिश्नर के नाम पे इसको भेजना है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट जो कि आपको पता ही है जनरल कैटेगरी के लिए 300 है, और दूसरी कैटेगरी जनरल बाकी कैटेगरी के लिए 150 है, ₹150 है। और किसके किसके नाम पे बनाना है, इन द फेवर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वन सेल्फ एड्रेस्ड, मतलब एक खुद एक एनवेल्प लेना है, उस पर अपना एड्रेस लिखना है और उस पर एक स्टैम्प भी लगानी है, 5-6 रुपये की जो भी एक स्टैम्प होगी उसको लगा लीजिएगा, और उसको उसके बीच में डाल के भेजना है ताकि आपको जो रोल नंबर आना है वो उसी में आना है। इसके बाद सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस 10th का सिलेबस है मल्टीकुलेशन लेवल का, और इसमें अर्थमेटिक है, हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, ये आपका सिलेबस हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप जो दूसरी वाली नोटिफिकेशन जारी की रखी थी सभी यूट्यूब चैनल ने, वहाँ पे देखना आप कि ये जो एक साइट्स थी ये भी गलती रखी थी। यहाँ पे HTTPs जो स्लैश वगैरह himachal.nic.revenue, ये इस पे जाएं आप साइट्स पे और फॉर्म को डाउनलोड कर लें, साइट्स ये दे रखी है। इसके बाद कैंडिडेट शुड अप्लाई टू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑल इन केस ऑफ बोथ माहौल मीन्स रेवेन्यू एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट, दोनों के लिए एक ही फॉर्म में भरेंगे। वहाँ पे प्रेफरेंस दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ। और बाकी यहाँ पे दे रखा है कि अगर जो सेटलमेंट की सिलेक्शन होगी वो जाएंगे कांगड़ा और शिमला डिवीज़न में।
ऑन दी मेरिट बेसिस पे होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखें सिग्नेचर, वेल सिग्नेचर हो रखे हैं यहाँ पे, मतलब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ पे खाली दे रखी थी। नेक्स्ट है कि इस फॉर्म में, यह फॉर्म है यहाँ पे लिखा नेम और डिस्ट्रिक्ट टू विच अप्लाइड। बाकी एक कंसर्न ये हुए कि कौन आप अदर डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, और नोटिफिकेशन में इसको मेंशन कर नहीं कर रखा है कि आप भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट वेदर माहौल एंड सेटलमेंट, अगर आपको देखना है अगर सेटलमेंट में भरनी है तो फर्स्ट, तो अगर माहौल में भरनी है तो सेकंड, या तो माहौल फर्स्ट तो, या सेटलमेंट के लिए सेकंड, यहाँ प्रेफरेंस दे रखी है कि एक में ही आप भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ देखें फ़ोटो को गेस्ट ऑफिसर के साइन करवाना है, बाकी एड्रेस वगैरह है, जो भी कैटेगरी है आपको उसको भी अटेस्टेड करना है, उसको साथ में भेजना है, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को भी अटेस्ट करके साथ में, और अदर क्वालिफिकेशन है उसको भी, और डिमांड ड्राफ्ट को भी साथ में भेजना है। इसके बाद वेदर रजिस्टर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर है तो नो है तो यस करना है, उसका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम भी उसमें लिखना है। देन अदरवाइज़ इसके बाद बाकी इसको साथ में सब कुछ, और इसको भी भर के यहाँ पे सब कुछ भर के आपने वहाँ पे भेज देना है। तो गाइज़ ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिपेंडो के द्वारा जारी की गई है। आप इसमें आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भेज सकते हैं। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, तो बाकी आप, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे सिलेबस को टारगेट करना है। मैं अभी वीडियो लेके आऊँगा हिमा पटवारी के लिए, तो आप सबसे पहले वहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा, देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे पूरे पेपर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।